एंड वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगी कि आपको कितने नंबर के लिए, कितने साइज के लिए, कितने इसमें फंदे रखने हैं, उन इन सब के बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगी। इसमें देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत एक वूलन ब्लाउज है। इस ब्लाउज का मैंने वीडियो दो पार्ट में डाला हुआ है बहुत पहले, फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरी वीडियो को। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड देखिए, बिल्कुल भी इसमें देखिए छोटी छोटी बस स्टिचिंग हुई है। मतलब बैक साइड देखिए, मैंने यहाँ पे फ्लावर भी लगाया है, ये देखिए। और ये पहनने पे ऐसे आता है, देखिए इसकी डिजाइन ऐसे है, ये क्रोशिया से किया हुआ है, देखिए ऐसी इसकी डिजाइन आती है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको, ये मैंने 32 से 34 नंबर के लिए बनाया है। तो इसमें टोटल मैंने यहाँ पे 85 फंदे रखे हैं, या 80 रखेंगे आप तो ये 32 नंबर के लिए बनेगा, और 85 रखेंगे तो 34 नंबर के लिए बनेगा। उसके बाद देखिए, मैंने 5 से 6 इंच की ये बॉर्डर बनाई हुई है, कंगूरे वाली बॉर्डर। मैंने बहुत बार आप लोग को बनाना बताया है, ये बॉर्डर पट्टी अलग से बन के लगती है लास्ट में, ये भी मैंने आप लोग को बताया फ्रेंड्स। अब देखिए ये वाला पार्ट, तो ये कैसे बनता है। यहाँ से ये ब्लाउज स्टार्ट होती है, ऐसे नहीं स्टार्ट होता, यहाँ से नहीं होता है ये ब्लाउज, ऐसे को स्टार्ट होके यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक एक पार्ट बनता है, ये देखिए ऐसे स्टार्ट होती है पूरी ब्लाउज की पार्ट यहाँ तक। यानी हमने यहाँ पे टोटल 160 फंदे रखे हैं। अगर आप लोग 40 फंदा या फ्री साइज का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी 100 फंदे होंगे, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे जो मैंने 160 फंदा रखा है आपको रखना होगा 180 या 190 फंदे। ये देखिए, फंदे हमारा बढ़ाने का क्या मेन मकसद होता है, ये फंदा अगर हमारा ज़्यादा रहेगा तो पेट तक हमारा ये ब्लाउज रहेगा। अगर ये फंदा आप कम करते हैं तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आ जाएगा, ऐसे को, तो ये हमारा पार्ट कम हो जाता है। इसलिए अगर आपने फुल साइज का बनाना है तो आप 200 भी फंदे रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 150 फंदे रखे, ये यूजली 32 से 34 नंबर के लिए आ जाता है। अगर आपने 40 फ्री साइज का रखना है, 38 नंबर, 36, 38 नंबर, तो आपको फंदे यहाँ पे 90 या 95 रखने हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो 100 फंदे भी रख सकती हैं पट्टी के लिए, बॉर्डर पट्टी के लिए। और यहाँ पे आपने 180 190 फंदे तक रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी निटिंग कितनी करनी है। आप कोई सा भी डिजाइन डाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने ये डिजाइन डाली है, आप कोई सा भी डिजाइन डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे 4 अंगुल की ये निटिंग की है, सिंपल सिंपल। लेकिन अगर आप 38-36 नंबर के लिए बना रहे हैं तो ये आप 6 अंगुल निटिंग करेंगे, ठीक, क्योंकि हम साइज, तो ये पोर्शन भी बढ़ेगा। उसके बाद 6 अंगुल का आप ये बनाएंगे, फिर डिजाइन आप कोई सा भी 2 अंगुल पे डाल लीजिए। देखिए कोई सा भी, आप ग्राफ वाले भी डिजाइन डाल सकते हैं, मैंने बहुत सारी डिजाइन बताई है, वो डिजाइन भी डाल सकते हैं। 2 अंगुल पे डिजाइन डालने के बाद क्या होगा फ्रेंड, यहाँ से हमारे फंदे 60 फंदे टोटल घट जाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 45-45 फंदे रखे हैं, 45-45 90 हो गया, और यहाँ पे देखिए 150 फंदे होगी, तो 60 फंदे यहाँ पे हमारे कम होंगे, तो 60 फंदे कम हो गए। अगर आप 36 और 38 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आपके फंदे कितने, एक साइड आपको 50-50 रखने हैं। जो हमने यहाँ पे 45 रखा है, आपको 50-55 फंदे रखने हैं। बीच में आपने जितने मुड्ढे की घटाई करते हैं फंदों की, दोनों साइड का, क्योंकि ये फंदा घट रहा है हमारा, इतना पार्ट एक साथ ही बनता है, तो यहाँ पर हमने कितना रखना है, यहाँ पे हमने देखिए 60, तो आप 65 या 70 भी रख सकते हैं, अरे कट मतलब इसकी घटाई कर सकते हैं 70 फंदे। अगर आप 70 फंदे इसकी घटाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 50-50 100 रखेंगे, 170, तो आप 55-55 देखिए रखेंगे, 110 हो गया प्लस 70, तो 180 पे, तो यहाँ पे 70 या 65 आप घटा सकते हैं, बाकी के फंदे आप अपने आप मेजरमेंट करके रख दें। सेम ऐसे ही पार्ट इस साइड भी बनेगा, सेम ऐसे, इतने ही फंदे, इतनी ही लंबाई, इतनी ही चौड़ाई। अब देखिए ऐसे ही आपको इस पार्ट पे भी बनाना है, जैसे ये बॉर्डर पट्टी 80 फंदे का लिया, 5-5 इंच का, दोनों साइड को आपने बनाना है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे स्टिचिंग की है, बॉर्डर पट्टी स्टिच कर लेंगे, वो सब मैंने आप लोग को बताया ही है।
उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे पीछे की साइड क्रोसिया से जिग जैग का पैटर्न बनाते हुए आए हैं। एक बार यहाँ पे ले जाएंगे, फिर ऐसे। नेक्स्ट हमारा जब दोबारा बनेगा तो यहाँ से हम उठाएंगे और जो जो हमारी पट्टी छुट्टी रहेगी उस पे ऐसे ऐसे करके। ये फ्लावर ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को ये इसका मेजरमेंट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आप लोग को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।